हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीवन शैली विद सारिगा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। आप आपके घरों में बहुत स्वस्थ, बहुत पॉजिटिव हैं। सो गाइस, टुडे अगेन आई एम कमिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड आल्सो वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। मींस मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि मतलब जैसे जो लोग पीजीज में रहते हैं या जिन लोगों के पास मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग इज द टाइम स्पेशल ऑल्सो फॉर मदर्स भी, मॉर्निंग इज द ओनली टाइम गाइज जब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। वी वॉन्ट समथिंग जो हम लोग बहुत क्विक बना सके। सो हियर आई एम, टुडे आई एम कमिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें मैं आपको एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बताऊंगी, जिस ब्रेकफास्ट में आप बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स कर सकते हैं। बट जो मैं आज प्रिपेयर करने लगी हूं वो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज, इस ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है ओट्स। आप किसी भी ब्रांड के ओट्स ले सकते हैं। आपको अगर ओट्स की बात करें गाइज, दिस इज वेरी रिच इन इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, रिच इन प्रोटीन फाइबर, मतलब इतने ज्यादा ओट्स का हेल्थ बेनिफिट है जिसके ऊपर हम एक सेपरेट लंबा वीडियो बना सकते हैं। अभी के लिए बस माइंड में ये रखिए कि ओट्स बहुत बहुत हेल्दी होता है। इसको और एनहेंस करने के लिए, टेस्ट अच्छा बनाने के लिए ऑल्सो हेल्दी चीजों का यूज करते हैं, तो मैं इसमें डालूंगी गाइज फ्रूट्स। फ्रूट्स में यहां पर मैंने लिया है एप्पल, ठीक है। ये हमारी स्किन को, हमारी हेल्थ को, हमारी वेट लॉस को, क्योंकि हम ये जो एक वाउ लॉट्स का लेंगे ना, ये आपको फुल डे रिच फील कराएगा। सो मैंने यहां पर लिया है एप्पल, नेक्स्ट इज बनाना, नेक्स्ट इज पोमोग्रेनेट। नाउ फ्रूट्स इज टोटली अकॉर्डिंग टू यू, इट्स टोटली ऑप्शनल। आप यहाँ पे मेनी ऑफ द फ्रूट्स लाइक स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आप यहाँ पर कीवी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैंने लिया है यहाँ पर एलमेड। अगैन एलमेड इज वेरी रिच इन प्रोटीन फाइबर कैल्शियम एवरीथिंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे गाइज चिया सीड्स, विच इज अगैन ऑप्शनल। अगर आपके पास है तो आप इंक्लूड करें, नहीं है तो आप इसको क्विट कर सकते हैं। बट इसको अगर आप यूज करेंगे ना, तो ये रेसिपी वेट लॉस के लिए स्पेशली बहुत बहुत अच्छी रहेगी। मैक्सिमम मैं कहूंगी अगर आप इसको 8 बजे खा लेंगे ना, तो टिल 12 PM तक आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। एंड हम इसमें जो है वो शुगर ऐड नहीं करेंगे। शुगर के ऐड की जगह पर हम इसमें ऐड करेंगे हनी। अगर आप चाहें आप शुगर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो देखिए, इसको बनाने के लिए मैं यहां पर यूज करूंगी मिल्क, जो कि हमें कैल्शियम देगा। सो चलिए अभी फटाफट से इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन करने के लिए गाइस देखिए, इसके दो तरीके हैं। आप चाहें तो इसको रात को भी जो है वो दूध में सोक करके छोड़ सकते हैं, वो भी टोटली सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहां पर थोड़ा सा इनको हम रोस्ट कर लेंगे, ठीक है। पैन ऑलरेडी मेरा गर्म है, मैं करूंगी रोस्ट। मैं इसीलिए बता रही हूं, इसको आप बहुत बहुत तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। रात को सोक करके रख लीजिए। कुछ लोग इसको गर्मियों में चिल्ड वे से यूज करना पसंद करते हैं, कुछ को थोड़ा हल्का ल्यूक वार्म पसंद होता है। तो मतलब मेनी वेज, यार लॉट ऑफ वेज। बहुत ज्यादा इसको हमें जलाना नहीं है, जस्ट हल्का सा रोस्ट करना है। कुछ लोग तो गाइज इसका पाउडर फॉर्म में भी बनाकर रख लेते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इट्स टोटली अप टू यू। सो मैंने ये रोस्ट हो गया है, इसको हम बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी रोस्टेड ही होते हैं। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारा मिल्क, थोड़ा सा देर बस पकाना है, ज्यादा नहीं। एंड अगर देखिए, अगर आप चीनी पसंद करते हैं तो इस टाइम पे यहाँ पे चीनी डाल लीजिएगा। एंड जो मैंने नट्स लिए हैं, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपका जो मन करे वो नट्स डालिए। मैं फिलहाल सिर्फ एलमंड डाल रही हूँ। तो बस थोड़ा सा इसको पकाएंगे, इट्स वेरी क्विक एंड रेडी टू यूज होता है। सो चलिए, अभी हमारा जो ओटमील है वो बनकर रेडी है। मैं इसमें इंक्लूड करूंगी चिया सीड्स, 2 टेबलस्पून चिया सीड। सो ये है गाइस चिया सीड्स, जो कि टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास होंगे तो आपको फुल फील होगा एंड वेट लॉस में हेल्प करेगा, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ले लीजिएगा। रेस्ट ये जो मैंने ओटमील बनाया, दिस इज टोटली रेडी। अभी हम इसके ऊपर जो हमारा ओटमील है वो डाल देंगे। क्विक एंड हेल्दी रेसिपी गाइस। सो नाउ फाइनली अभी टर्न है फ्रूट की। अभी फाइनली देखिए, ये मेरा जो चिया सीड्स है वो एंड ओट मील रेडी है। अभी मैं इसमें इंक्लूड करूंगी हमारे फ्रूट्स। देखिए, जो लोग तो कम मीठा खाते हैं ना गाइज, नेचुरली स्वीटनेस इससे आ जाती है, ठीक है। थोड़ा सा डेकोरेटेड कर लेते हैं, क्योंकि अगर डेकोरेशन अच्छा हो तो खाने का ऑटोमेटिकली मन करता है। सो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रूट्स।
Here is our banana. And in last, जो हमारे मतलब I love this breakfast. आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, ठीक है? ये हमारे आ गए फ्रूट्स. अभी लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे हनी. स्टक हो गया. चलो अब ऐड करेंगे हम इसमें स्वीटनेस के लिए हनी. सो ब्यूटीफुल गाइस, लुक. कुछ चीजें ना जब मतलब इतनी सुंदर लगती हैं देखने में. अभी आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए. रेसिपी इज एब्सोल्युटली रेडी. इस तरह से सभी फ्रूट्स को एंड एवरीथिंग आप इस तरह से भी एंजॉय कर सकते हैं. ऐड कर मतलब सब चीजें अच्छे से आपस में मिक्स कीजिए. ये हमारी हेल्दी रेसिपी एंड ऑल्सो वेरी वेरी क्विक रेसिपी बनकर रेडी है. आप इसको अपनी ब्रेकफास्ट में जरूर से इंक्लूड करें. बच्चे भी इसको पसंद करेंगे एंड हम एक बहाने से हर चीज अपने बच्चों को दे पाएंगे. सो आई होप गाइज आज का वीडियो जो है वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा एंड ऑल्सो बहुत ही हेल्दी रहा होगा. सो चैनल को प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करें. सो मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.